बार इन केमिस्ट्री की पॉइंट सी एस आई आर जून 2017 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था जो ऑर्गेनोमेटलिक क्वेश्चन से रिलेटेड था, जिसमें जो है दोस्तों हमें ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बताना था, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बताना था और उसके थ्रू जो है हमें या रिएजेंट दिया हुआ था और CH3I यानी मेथिल आयोडाइड से रिएक्शन करवाना था और SN2 मैग्नीशियम के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि जो है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछी गई थी कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मिथाइल क्या है और आयोडीन जो जुड़ने वाला ग्रुप है एक दूसरे के ट्रांस दिया है, यहाँ सिस दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रांस दिया है और यहाँ पे भी ट्रांस दिया हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे PbO3 क्या सिस दिया। अब दोस्तों इसको जो है देखते हैं कि ये ट्रांस कब होता है और सिस क्या होता है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो है या सिस देगा या ट्रांस देगा, इसके लिए तो हमें पहले जानना होगा कि जो अडेंडा होता है, अडेंडा मीन्स जो जुड़ने वाला ग्रुप होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अगर अडेंडा दिया हुआ है दोस्तों तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई नॉन पोलर ग्रुप है। ठीक है, अगर कोई नॉन पोलर ग्रुप है, ठीक है, तो नॉन पोलर अगर ग्रुप है जैसे मान लीजिए X2 यानी BR BR है। ठीक है, अगर BR BR है, ठीक है, तो यह क्या होंगे, सिस प्रोडक्ट देगा। ठीक है दोस्तों, सिस प्रोडक्ट देगा। उसके बाद अगर मान लीजिए क्या है, स्लाइटली पोलर है। ठीक है, अगर स्लाइटली क्या है, स्लाइटली अगर पोलर है, ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है अगर, तो जैसे मान लीजिए CH है, CH3 है, CH3 है, ठीक है, CH3 है, यहाँ H है। ठीक है, तो स्लाइटली अगर पोलर है तो भी क्या होगा दोस्तों, सिस देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मान लीजिए क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो भी क्या होगा, सिस देगा। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड अडेंडा है तो क्या होगा, सिस देगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड अडेंडा तो भी सिस देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर स्लाइटली पोलर हैं या नॉन पोलर हैं या स्लाइटली पोलर हैं, ठीक है, तो वो क्या देंगे, सिस प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, सिस प्रोडक्ट देंगे। और अगर बात करते हैं कि यह अगर मान लीजिए पोलर ग्रुप है, क्या है दोस्तों, पोलर ग्रुप है, जैसे पोलर ग्रुप है, अगर दोस्तों क्या है, पोलर ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोलर ग्रुप जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं CH3I क्या है, CH3I क्या है, ये पोलर ग्रुप है। ठीक है, तो पोलर ग्रुप अगर है तो यह क्या देगा दोस्तों, ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं देखना था, बस इतना ही देखना था दोस्तों, अगर नॉन पोलर है, अगर स्लाइटली पोलर है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिस प्रोडक्ट देगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई पोलर ग्रुप है, ठीक है, अगर कोई पोलर ग्रुप है तो वह क्या होगा दोस्तों, ट्रांस प्रोडक्ट देगा। बस इतना ही ध्यान में रखना था, अगर SN यह रिएक्शन जो है SN2 रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड ही होता है। अब आगे बात करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ का जो लोन पेयर, अगर मान लीजिए यह क्या है, स्क्वायर प्लेनर अगर हम बात करते हैं, तो यह क्या करेगा, इसका लोन पेयर क्या करेगा, इसका मिथाइल पे अटैक करेगा और यह आई बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम आई आर बाहर निकल गया, CO हो जाएगा, PPH3 हो जाएगा, Cl हो जाएगा और यहाँ पे आई हो CH3 हो जाएगा जो यह है। ठीक है, CH3 यहाँ ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PPH3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यह हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आयोडीन जो बाहर निकला वह क्या करेगा, वह भी आएगा निगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। ठीक है, अटैक करेगा तो IR हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CO हो जाएगा, यहाँ पे PPH3 हो जाएगा और यहाँ पे Cl हो जाएगा, आयोडीन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आयोडीन हो जाएगा और यहाँ पे PPH3 हो जाएगा। यानी ये दूसरे को क्या हो गए दोस्तों, ट्रांस हो गए, या एक दूसरे के क्या हो गए दोस्तों, या क्या हो गए, एक दूसरे के ट्रांस हो गए। ठीक है, और यही प्रोडक्ट हमें ट्रांस प्रोडक्ट बनाना था। तो ऐसे हमने जो है रूल जो बता दिया कि अगर अडेंडा ग्रुप जो भी है, अडेंडा जो होता है, ठीक है, अडेंडा जो डिपेंड करता है, वह अगर मान लीजिए इस पर अटैक करना है या जोड़ना है, सिस होगा या ट्रांस होगा, वह डिपेंड करता है नॉन पोलर, स्लाइटली पोलर, सिस और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ये सब सिस प्रोडक्ट देंगे। अगर पोलर ग्रुप कोई आ गया तो क्या होगा, ट्रांस प्रोडक्ट देगा। तो वैसे भी देख रहे हैं आप यहाँ पे CH3I क्या पोलर ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होगा, ट्रांस प्रोडक्ट देगा। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन,
यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे है आंसर, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मिथाइल क्या है, एक दूसरे के ट्रांस हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मिथाइल और आयोडीन क्या है, एक दूसरे के सिस हैं, तो इसे गलत हो गया। यहाँ पे PPH3 क्या है, एक दूसरे के ट्रांस हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिस दे दिया है, भी गलत हो गया, लेकिन यहाँ एक ट्रांस बना के दिया होता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर केयरफुली आपको क्वेश्चन देखना, आंसर देखना होता है कि कौन से ऑप्शन जो है सही हैं गलत हैं। केयरफुली अगर यहाँ पे देखे होते ट्रांस है, तो कुछ लोग यही ट्रांस देख करके टिक मार दिए, लेकिन जो है इसमें PPH3 क्या है, दूसरे के सिस है, ठीक है। यहाँ पे सही दिया था, लेकिन CH3I क्या है, दूसरे के सिस दिया था, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो वीडियो लोड होता है वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जो आपके नेट गेट के लिए हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू।